तो काफी दिनों से हमने आपको किसी ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियो नहीं दी और आज है हमारे पास बोट स्टोन 352 प्रो। और वैसे मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं, ये जो स्पीकर है अमेज़न पे लॉन्च हुआ है और बोट स्टोन 350 प्रो जो है ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है। कुछ भी मेजर डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है अलग अलग नेमिंग के साथ। बाकी बोट की जो स्टोन सीरीज के स्पीकर होते हैं ना, ये इंडिया में काफी पॉपुलर है। अभी न्यू प्रो वर्जन आया है तो इसमें क्या कुछ अपग्रेड किया गया है, किस तरह का स्पीकर है दोस्तों। तो बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बोट, तो हॉनेस्ट बात करेंगे। क्विक से अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं बॉक्स में क्या कुछ है दोस्तों। तो आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स खोलते हैं, अंदर क्या माल मसाला है वो दिखाता हूं आपको। ओहो हो भाई साहब, ये रहा हमारा स्पीकर। अभी रखते हैं इसको साइड में, दिखाता हूं अभी आपको। तो यहां पे हमें वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल और एक बोट का स्टिकर मिला है। यहां पे हमें एक ऑक्स केबल मिला है, एक यूएसबी टाइप सी केबल मिला है और एक सिम इजेक्टर पिन मिला है। ये क्यों दिया गया है दिखाते हैं आपको। खैर ये रहा दोस्तों हमारा स्पीकर। ओहो ओ भाई भाई भाई, स्पीकर काफी भारी लग रहा है यार। इसका डिजाइन देखे तो सिमिलर लाइक वाले जो बोट के स्पीकर आते हैं स्टोन सीरीज में, उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो बिल्ड दिया गया है ये आपको फैब्रिक बिल्ड दिया गया है दोस्तों, एंड नो डाउट बिल्ड क्वालिटी है स्पीकर की सॉलिड है भाई, काफी सॉलिड मटेरियल का यूज किया गया है। और बैक साइड पे आपको रबर पैडिंग मिल जाती है, फ्रंट साइड में आपको बेस रेडिएटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल बटन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है इसके पोर्ट्स दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ये सिम वाला दिया गया था ये रीसेट बटन के लिए दिया गया था दोस्तों। बाकी ये आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है जिसको आप पकड़ के आप कैरी कर सकते हैं इसको आसानी से। अब देखो ये ना मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हीवी लगा है भाई, इसका वेट मैंने देखा था 775 का जो है इसका वेट है दोस्तों, तो थोड़ा सा वजन तो है इसमें। बाकी अभी इसको ऑन करते हैं, देखते हैं अंदर के। ओहो हो भाई, ओहो भाई साहब, ये आरजीबी लाइट देखो यार, काफी मस्त दिख रहा है। और एक चीज मेरे को अच्छा लगा पता है क्या, कि इसकी जो ऑन होने की साउंड थी ना वो थोड़ा इन लोग कम रखे हैं। मैंने कितने सारे स्पीकर में देखा भाई कि ऑन करते हुए ना वो फुल वॉल्यूम पे रहता है और एकदम मतलब लाउड साउंड निकलता है, तो पता चल जाता है अगले को भी भाई कि स्पीकर वगैरह कहीं पे ऑन हुआ है। तो यहाँ पे जो साउंड रखे ये लोग मीडियम पे रखे। पावर बटन को सिंगल टैप करोगे तो इसकी जो आरजीबी एलईडी का इफेक्ट है ये चेंज होता रहता है। बाकी इसमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, ये पेयर डिवाइस के साथ इंस्टेंटली पेयर हो जाता है। हालांकि देखो यहाँ पे लेटेस्ट हो सकता था 5.4 हो सकता था, एंड मैंने इसकी कनेक्टिविटी रेंज देखी थी तो 10 मीटर तक जो है स्ट्रीट में यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है स्मार्टफोन के साथ। बाकी यहाँ पे ये IPX5 की रेटिंग के साथ आता है और मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो IPX5 की रेटिंग है ना ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि अभी मोस्टली स्पीकर में मैंने देखा है IPX7 की रेटिंग होती है, यहाँ पे 5 की रेटिंग है। तो थोड़ा देखो पानी से बचाए रखना, ऐसा नहीं है कि भाई शौक से तुम जा रहे हो पानी में डुबा रहे हो तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा। मेरे को क्या लगता है कि इसमें थोड़ा सा और चीज बेहतर की जा सकती थी, लाइक यहाँ पे भाई अगर आप अपने फोन से इसको कनेक्ट करते हो तो वहां पे बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता है कि स्पीकर कितना चार्ज है, तो ये थोड़ा सा मेरे को मसला लगा। और इसमें दोस्तों ना ही आपको कोई FM रेडियो मिलता है, तो मेरे को लगता है कि FM रेडियो होता वो भी एक चीज बेहतर हो सकता था इसमें। एंड यहाँ पे ना दोस्तों अभी देखो, अभी मैं ना फोन से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ऐसा कुछ साउंड करता है, एकदम लग रहा मच्छर उच्छर घूम रहा है इसके अंदर, वैसा मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज। बाकी इसमें आपको 14 वोल्ट का स्पीकर मिलता है और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसकी साउंड कैसी है। पहले हम 50% वॉल्यूम पे आपको सुनाते हैं सॉन्ग, उसके बाद हम आपको 100% वॉल्यूम पे सुनाएंगे। तो 50% वॉल्यूम पे इसका जो साउंड है ना वो मेरे को स्मार्टफोन के स्टीरियो स्पीकर के जैसा फील हुआ है। अब देखो फुल वॉल्यूम पे कैसा साउंड है वो देख लेते हैं। किसको किसको समझ में आ रहा कमेंट करके बताना, कॉपीराइट आ जाए लेकिन बजेगा, गाना तो बजेगा। अब अगर आपके पास हेडफोन वगैरह है तो वो आप लगा लो, मैं आपको इसका साउंड डेमो देने वाला हूँ दोस्तों। खैर
यार यहाँ पे दोस्तों 100% वॉल्यूम पे भाई इसकी साउंड काफी क्रेजी निकल के आती है। मतलब यहाँ पे क्या है, दोस्त यार के साथ महफिल जमा हुआ है, वहाँ पे एकदम पार्टी करने का मूड है, तो इतना है कि सभी की कानों में साउंड चला जाएगा। और यहाँ पे जो बेस वगैरह है ये भी काफी क्रेजी है भाई। हालांकि फुल वॉल्यूम पे आप रख दो ना, तो वहाँ पे जो साउंड में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मेरे को देखने को मिला। एंड यहाँ पे बोट का सिग्नेचर साउंड है, आप सिग्नेचर साउंड से क्या मतलब भाई, अदर स्पीकर से भी साउंड ही आएगी, इससे भी साउंड ही आ रही है। हालांकि 50% वॉल्यूम पे आपको लगेगा कि हाँ यार इसकी लाउडनेस यहाँ पे भी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन 100% वॉल्यूम पे एकदम आपका फाड़ देगा कान भाई। बाकी इस वाले स्पीकर में आपको 800 mAh की बैटरी मिल जाती है और ब्रांड क्लेम करता है कि ये आपको नॉन स्टॉप 12 आवर का बैकअप निकाल के दे देगा 50% वॉल्यूम पे। और RGB वगैरह आप बंद कर दो ना, तो वहाँ पे ये आपको और बेहतर बैकअप निकाल के दे सकता है। बट अगर आप फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक प्ले करो विद RGB लाइट, तो ये आपको दोस्तों 6-7 घंटे का बैकअप निकाल कर देगा। अब ये चीज मैंने टेस्ट करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरे को लगता है कि कुछ चीजें और डाली जा सकती थी, लाइक इसमें जो IP रेटिंग है वो 7 होता और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज नहीं होता स्मार्टफोन पे, तो ये चीज थोड़ा सा हो सकता था इसमें। एंड यहाँ पे जो इसमें ब्लूटूथ वर्जन है वो लेटेस्ट होता वो भी ज्यादा बेहतर था। एंड यहाँ पे FM रेडियो नहीं दिया गया दोस्तों, तो ये भी चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पीकर जो है ये वर्थ इट है दोस्तों। मैंने इस वाले स्पीकर को 1700 के प्राइस पॉइंट में लिया था और ये मल्टीपल कलर्स के साथ आता है। और अभी मैं देख रहा हूँ ब्लू कलर का जो है ना वो 1600 के प्राइस पॉइंट में मिल रहा है। हालांकि देखो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन 2000 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पीकर जो चीजें डाल रखी है ये अच्छी लगी है मेरे को। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको ये स्पीकर कैसा लगा। मेरे को जो जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो बाय।